नोटबंदी के बाद से कैश की किल्लत से जहां आम आदमी परेशान है, वहीं अब इसके लूट का मामला भी सामने आने से लोगों की परेशानी और बढ़ गई है। दिल्ली के पांडव नगर में हथियारों के बल पर दिन दहाड़े एटीएम कैश वैन से 5 लाख रुपए की नई करेंसी लूट ली गई। पुलिस के मुताबिक लुटेरों ने ब्रीफकेस छीना और सिक्योरिटी गार्ड को मारकर 5 लाख रुपए लूट ले गए। फिलहाल पुलिस इनकी तलाश में जुट गई है। ब्रीफकेस जिसके अंदर 5 लाख रुपए थे छीन लिया और दूसरे लड़के ने सिक्योरिटी गार्ड को होल्ड किया और जाते समय एक फायर किया। अभी तक पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन मोटरसाइकिल का नंबर हमें जो सस्पेक्टेड मोटरसाइकिल है उसका कुछ प्राप्त हुआ है। दैनिक भास्कर.com की रिपोर्ट।